फ्रेंड्स, कैसे आप? अंकिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाना और भी इजी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने प्याज को अच्छे से छिलके ले लिया। आप देख सकते हैं इसे दो भागों में काट भी दिया है, थोड़ी सी हमने काट भी लिया है। और ये धनिया की पत्ती, अदरक, हरी मिर्च, नींबू और ये हमारे सारे स्पाइसेस और ये आटा जिससे हम बना के रेडी करेंगे। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे। इसे काटने के लिए हमने चॉपिंग ट्रे ले लिया है, थोड़ी सी हमने बारीक काट लिया है। मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो चलिए काटने के लिए पहले ऐसे बारीक काट लेंगे। आप इसे जितना हो सके इतना बारीक काटना, क्योंकि मोटा रहेगा तो पराठा फटने लगेगा। देख सकते हैं हमने प्याज को बारीक काट लिया है। आप देख सकते इतना बारीक है। तो सबसे पहले इसे हम किनारे पर रख देते हैं और दूसरी तरफ अपने आटा को गूंद के पहले रेडी कर लेते हैं। और आटा को गूंदने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक में नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे एक चम्मच इसमें तेल। एंड सबको डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमें सॉफ्ट आटा लगा के रेडी करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इससे पराठे फटने लगेंगे। इसलिए हम इसे सॉफ्ट डो लगा के रेडी करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें और इन्हें अच्छे से गूंथ लें। ऐसे ही करके थोड़े थोड़े पानी डाल के हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। देख सकते हैं आटा को हमने सॉफ्ट और अच्छे से गूंथ के रेडी कर लिया है। आप इसे ज़्यादा मसलते हुए गूंथना ताकि अच्छे से सॉफ्ट और अच्छा बने, नहीं तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और फटने लगेंगे। और दूसरी तरफ इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। सॉफ्टिंग बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें अपने सारे प्याज को ऐसे डाल दें और हाथों से अच्छे से मसल लें ताकि इसके टुकड़े अलग अलग हो जाएँ और अच्छे से बराबर हो जाए। ऐसे आप देख सकते हैं हमने सबको मिक्स कर दिया है। और साथ ही अब डाल देंगे अपनी हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी नींबू डाल देंगे। नींबू डाल सारे प्याज, हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मिक्स करें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इन्हें किनारों पर रख दें और दूसरी तरफ हम अपने मसालों को रेडी करेंगे। देख सकते हैं हमने प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ हम अपने मसाले बनाएंगे। प्याज में मसाले नमक इसलिए ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगता है और पानी छोड़ने से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, फटने लगते हैं। इसलिए हम मिक्सर अलग बना के रखेंगे। अपने मसालों को मिक्स करके रख लेते हैं। पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे अजवाइन पाउडर। हमने इसमें अजवाइन डाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी से मसाले, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को इकट्ठा डाल लिया, अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसके बाद हमने अपनी स्टफिंग बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। सुनते हैं हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब इसमें से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ना है, छोटा छोटा ही तोड़ना है। अगर आपको बड़ा लगे तो आप इसे छोटा कर लें। हमें इतना बड़ा लेना है और इसे गोल बना लेना है। और थोड़ा सा आप अपने इस पर आटा डस्ट कर दें, ऐसे ही फैला दें और इन्हें ऐसे ही करते हुए ऐसे बना लें, लंबा कर लें। हल्के हाथों से इन्हें बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा ऐसे इन्हें बढ़ा लें। रोटी की जैसे थोड़ा सा बेल दिया है और अब इस पर हल्का सा ऐसे तेल लगा दें या घी, आपके पास जो हो आप उसको लगा सकते हैं। और साथ ही अपने मिक्स को ऐसे हम इसमें फैला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने बनाया था इस पर फैला देंगे ऐसे, आप अपने अंदर थोड़ा या कम कर सकते हैं। और इन्हें बनाते हुए अच्छे से फैला लें। मिक्सर अच्छे से फैला लिए और अब इसे ऐसे उठाते हुए ऐसे हमें मिक्स कर लेना है, ऐसे दबा लें और चारों तरफ से ऐसे मिक्स करें। तब से उठाते हुए ऐसे मोड़ लें और इन्हें ऐसे हाथों से अपने दबा दें। इन्हें हल्के हाथों से ही दबाना है और सूखे हाथों में एक बार ऐसे लगा दें। हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसे बेल लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, नहीं तो ये फटने लगेगा। और ऐसे ही दबाते हुए हमें इसे लंबा कर लेना है। तो हमने पराठे को बेल के रेडी कर लिया है। थोड़ा बहुत फटना तो होगा ही, क्योंकि ये प्याज के पराठे हैं तो पानी तो रिलीज करेगा ही, ज़्यादा नहीं फटना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले हम तवे पर हल्का सा तेल डाल के ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम पराठों को अच्छे इस पर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सेकंड भी हम ऐसे ही करके बेल लेंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। हल्का सा नीचे से सीख गया, अब ऐसे ही करके इन्हें पलट दें और थोड़े से इस पर घी लगा दें
आप घी बटर या जो भी लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से ऐसे लगा लें और थोड़ी देर इसे पकने दें और फ्लेम को स्लो ही रखें ताकि इसके अंदर का जो प्याज है वो भी अच्छे से पक जाए। प्रोसेस दूसरा पराठा भी बनाते हुए हम इस पे ऐसे ही मसाले को स्प्रेड कर देंगे, चारों तरफ इन्हें फैला लें और सेम ऐसे ही बगल से उठाएं इन्हें, ऐसे करते हुए इन्हें फोल्ड कर लें। फिर साइड भी हल्का सा पक गया, तीन के भी पे भी ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे ही फैला लें और दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से सेकने दें। इनके लिए इनके किनारों पर ऐसे ही हल्का हल्का दबा दें ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन और अच्छे से सेक जाए। पराठे अच्छे से सिक के रेडी हो गए तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके सेकंड वाला भी हम डाल देंगे, डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। देख सकते हैं आप पराठा हल्का सा सिक गया है, तब दूसरी तरफ इस पर हल्का सा ऐसे लगा देंगे और सेम प्रोसेस ऐसे ही इन्हें फैला देना और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसे छोड़ देना है ताकि अच्छे से नीचे से सिक जाए। देख सकते हैं पराठे हल्के से सिक गए, तब इन्हें ऐसे ही पलट दें और सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे हल्का सा घी लगा दें या तेल आपके पास जो भी हो और इन्हें भी अच्छे से पकने दें ताकि इसके प्याज भी अंदर से अच्छे से पक जाए। तो सेकंड वाले पराठे भी हमारे अच्छे से सिक के रेडी हो गए तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हमने अपने पराठे बना के रेडी कर लिए हैं और ऐसे ही करके सारे पराठों को बना के रेडी कर लें। देख सकते हैं हमने अपने प्याज के पराठे बना के रेडी कर लिए हैं जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आसानी से बना सकते हैं। इसे खाने के लिए आपको चटनी सब्जी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप इसे चाय के साथ आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।